बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा बदकिरदारी का दाग लगने वाला वाकया बताएंगे। आधी रात का वक्त हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि मुस्तकबिल के सुल्तान थे, उस पर एक शारिया नामी लड़की ने बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। काजी इब्ने अरसून, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद थे, जो कि इस मुकदमे को सुनने वाले थे, यह इल्ज़ाम एक आम इंसान पर नहीं बल्कि एक बासलाहियत और बाकिरदार इंसान नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक लड़की ने लगाया था। काजी इब्ने अरसून बहुत परेशान थे। अगर मेरे शागिर्द पर लगाया गया इल्ज़ाम सच साबित हो गया तो मेरी सारी जिंदगी की तालीम और दी गई तरबियत पर पानी फिर जाएगा। काजी ने वजू किया और जाए नमाज पर अल्लाह के हुजूर सजदा में गिर गया और दुआ करने लगा, ए मेरे मालिक, मेरे बाकिरदार और नेक बंदे पर मुश्किल वक्त आ पड़ा है, तू इसकी अपनी गैबी मदद फरमा और इसकी इज्जत की हिफाजत फरमा, बेशक तू ही इज्जत देने वाला है और तू ही जिल्लत देने वाला है। मेरा दिल नहीं मानता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी तरह की बुरी नज़र भी उठा कर देगे, लेकिन दूसरी तरफ शारिया नामी लड़की पूरे वसूख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने सल्तनत पर कायम थे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एक शारिया नामी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे अकेले पाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तमाम लोग हैरान थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस तरह का काम कर सकता है, क्या किसी को यकीन आता है? कोई कुछ बात करता है और कोई कुछ बात करता है। अगली सुबह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून ने यह मुकदमा सुनना था और सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद सज़ा सुनाई जानी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सारी रात बुखार में तड़पते रहा और अल्लाह से दुआ करते रहे, मेरे मालिक, तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही बेहतर जानता है, तू ही सबसे सच्चा है, बेशक मेरी मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। सुबह का वक्त हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बुखार बहुत ज़्यादा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज ख़त्म करने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर कर दुआ मांगी और कहा, ए मेरे मालिक, तू ही मेरी इज्जत रखना। वह दिन नजमुद्दीन अय्यूब खानदान के लिए बहुत ही अजीब व गरीब दिन था। लोग बड़ी बेताबी से उस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में काजी इब्ने अरसून इस मुकदमे को सुनेंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ थे जबकि कुछ लोग नूरुद्दीन जंगी के साथ थे, इसलिए लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात थे। सूरज तुलू हो चुका था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मुश्किल में दिखाई दे रहे थे। सलाहुद्दीन समझ नहीं पा रहे थे कि जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं और वो मुझ पर इतना घिनौना इंजाम क्यों लगा रही है, मुझे आखिर ऐसा क्या है और कौन सी गलती सरजद हुई है जो इस लड़की ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। आप काजी अरसून शारिया नामी लड़की से मुखातिब हुए और पूछा, बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उस लड़की ने कहा कि मैं अपना बयान पहले दे चुकी हूँ, मजीद ऐसी बातें ना करें, अपनी मजीद इज्जत ख्वार नहीं करवा सकती। बहुत बुखार ज़्यादा होने की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा जर्द हो चुका था और हाथ कांप रहे थे, जुबान भी लर्जातारी था। देखकर मजमे को यूँ लगता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बेकसूर नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़े गौर से ये सारा मंजर देख रहे थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बड़े गौर से सलाहुद्दीन अय्यूबी और उस लड़की को बातों को सुन रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता कि तुम एक बेकसूर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो? लोग समझ रहे हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भतीजा होने की वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर मुजरिम करार भी दिया गया तो सज़ा से बच जाएगा।
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काजी से कहा कि जब हम किसी भी मसले का हल नहीं निकाल पाते तो हम फिर अपने अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, और मैं अभी इस लड़की से कहता हूँ कि अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की कसम खाकर ये कह दे कि इसका इल्ज़ाम सच्चा है तो मैं वो गुनाह कबूल कर लूँगा और जो कि मैं सरजद भी नहीं हुआ। ये सुनते हुए वो लड़की सलाहुद्दीन को गौर से देखने लगी। वो सलाहुद्दीन की हालत समझ चुकी थी। थोड़ी देर बाद बगौर और बखूबी देखने के बाद लड़की चीख चीख कर रोने लगी और कहा, मैं तमाम मजमा के साथ हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहती हूँ कि सलाहुद्दीन बिल्कुल बेकसूर है, सारा गुनाह मेरा है। यह सुनकर सारा मजमा हैरान रह गया और उस लड़की के चंद अल्फाज ने मुकदमे को उलट कर रख दिया। इतने में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी गुस्से से अपनी कुर्सी से उठे और उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि इल्जाम तराशी कि तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? तो उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि इसकी मुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद काजी ने शारिया से कहा कि आखिर ऐसा क्या वजह थी कि तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया? तो लड़की ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने लड़की की तरफ देखा तो उसने कहा, मेरे सुल्तान, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, शायद जिसकी तलाफी भी नामुमकिन हो, क्योंकि जो दाग सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार पर लगा वो शायद मैं चाहते हुए भी ना मिटा सकूं, लेकिन ये सब काम करने के लिए मैं मजबूर थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा, बताओ तुम्हें इस काम के लिए किसने मजबूर किया? आपको शारिया नामी लड़की ने अमीर इब्ने मरकूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आले मर्द और अमीर ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। ये सब बात सुनते ही तमाम दरबारी अमीर इब्ने मरकूम को मलामत और गुस्से की नज़रों से देखने लगे। अमीर इब्ने मरकूम अपनी जगह से उठा और बड़े दबदबे के साथ कहने लगा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं भी सलाहुद्दीन की तरह इसको जानता तक नहीं। नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि कल मालूम हो जाएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार है। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शारिया नामी लड़की को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि बताओ असल माजरा क्या है? लड़की ने कहा कि एक जंग में मेरे माँ बाप मारे गए थे और इस जालिम अमीर इब्ने मरकूम के हाथ लग गई, मुझ पर बेइंतहा जुल्म करता था, बेहद तशद्दुद करता था, और शाही कनीज की जांच करने के बाद उस लड़की की पीठ पर कोड़े के निशानात भी दिखाई दिए। और इधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खास जासूसों ने शारिया और अमीर इब्ने मरकूम के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली और उनके आसपास के ताल्लुक को सुल्तान के सामने बेनकाब कर दिया। ये देखकर सुल्तान ने अगले दिन पूरे मजमे में एक जगह इकट्ठा पर होने की दावत दी। ये दावत इसलिए थी कि काजी इब्ने मरकूम की सजा को लोगों के सामने दिखा सकें। तमाम लोग बड़ी बड़ी दूर से अमीर इब्ने मरकूम की हालत देखने के लिए आए। जब उसको मैदान में लाया गया तो सख्त जंजीरों में झगड़ा हुआ था, लोग उसको मलामत की जंजीरों से देख रहे थे, नजरों से देख रहे थे। शरीयत के मुताबिक उसे 70 कोड़े मारे गए। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली और उसे शाही ओहदे से भी ले लिया और इसकी तमाम जायदाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को देने की दावत दी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं किसी का माल अपने हिस्से में रखकर गाफिल नहीं बनना चाहता। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अल्लाह ताला ने गैबी मदद की और इसके वजूद पर लगत बदकारी का दाग दूध की तरह धुल दिया। आप बेशक अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। जो इंसान गुनाह बदकारी जिना से बचता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, और जिसका खुल्लम खुल्ला वाक्या कुरान शरीफ में मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया, उसे भड़काया, उसे गुमराह करने की कोशिश की तो दरवाजे बंद होने के बावजूद अल्लाह की गैबी मदद आई और अल्लाह ने उन्हें शुरू किया। लेकिन यह शर्त सिर्फ इंसान का अपनी ज़ात पर भरोसा
और अपने ईमान पर पुख्तगी होनी चाहिए तो अल्लाह की गैबी मदद जरूर आती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।